सरकारी बंगले का मुंह नहीं छोड़ने वाले नेताओं के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पद छोड़ने के तत्काल बाद सरकारी आवास खाली करना एक उदाहरण बन सकता है। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से एक दिन पहले उन्होंने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उच्च सदन से रिटायर होने के दूसरे दिन उन्होंने सरकारी बंगला खाली कर दिया और अपने एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नियम के अनुसार नकवी 3 से 6 महीने तक अनुमति हासिल कर सरकारी बंगले में रह सकते थे, फिर भी उन्होंने अपना निजी फ्लैट में जाना जरूरी समझा। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी की राज्यसभा की सदस्यता पिछले दिनों खत्म हो रही थी, लेकिन उन्होंने उससे पहले पद से त्याग पत्र दे दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। वहीं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के कद्दावर नेता रहे मुख्तार अब्बास नकवी को इस बार राज्यसभा का टिकट नहीं मिलने के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उन्हें उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनाए जाने तक की अटकलें जोरों पर है। अब देखना होगा कि बीजेपी उन्हें क्या पद देती है।